हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह मॉर्निंग में 7:15 पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जहां पे हम लोग कवर करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली करंट अफेयर के अंदर हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वो सारे के सारे कवर करते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपके नॉलेज के लिए, डे बाय डे आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज भी यही करने वाले हैं, आज भी कई सारे आर्टिकल्स हम लोग कवर करेंगे। आज मंडे है तो मंडे को आप सभी को मालूम है, संडे और मंडे यानी कि 4th और 5th of December के हम लोग सारे करंट अफेयर है जो कि कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइज, चलिए ठीक है। मुझे यार लग जाते हैं 5-10 मिनट आपके पूरी क्लासेस को ऑर्गेनाइज करने के अंदर और कंटेंट के अंदर। कई बार एक दो आर्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल लास्ट में ऐसा होता है, उनके ऊपर काम करना पड़ता है, 2-3 आर्टिकल्स पढ़ते टाइम निकल जाता है। चलिए, तो मैं चाहता नहीं हूँ यार कि कोई भी ऐसा आर्टिकल आपका रहे जो कि आप जो कि छूटे है ना, या फिर इंपॉर्टेंट हो जिसको हम लोग कवर नहीं करें। तो इसलिए 5-10 मिनट है जो कि कई बार ऊपर नीचे हो जाते हैं। मुझे बहुत कम टाइम मिलता है यार, हम लोग आज का करंट अफेयर करते हैं। अगर हम लोग कल का कर रहे होते ना तो चलो कोई बात नहीं, मतलब पूरा दिन मिल जाता है आपको, है ना, आपको ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो टाइम पे भी कर सकते हो। लेकिन मेरे को बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, 2-3 घंटे का टाइम मिलता है जिसमें मैं बेस्ट से बेस्ट कॉन्टेंट आपको देना चाहता हूँ, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी एग्जाम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है जो कि आपको नहीं हो, ना तो आज तक तो कभी नहीं हुई होगी, ओके, आगे भी नहीं होगी, ट्रस्ट मी ऑन दैट। चलिए, तो हम लोग 4th और 5th दिसंबर का करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे आज के सेशन के अंदर। हम लोग आज 8 आर्टिकल्स हिंदू में, 2 दिन के, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस के 4, जनसत्ता का 1 और बाकी सारे सोर्सेज 6 आर्टिकल्स है जो कि हम लोग कवर करेंगे। तो नियर बाय आज हम लोग 12-13-19 के आसपास आर्टिकल्स है, यानी कि आने वाले 1 घंटे के अंदर हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, जहां पे ईवीएस, रिपोर्ट, इंडेक्स, सोलर, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। कल मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको दिए थे, जैसे कि कल मैंने आपसे पूछा था कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल आपको कौन से रीजन में देखने को मिलेगा। हॉर्नबिल आपको डेजर्ट में नहीं मिलेगा, आपको जम्मू कश्मीर के हिमालयाज में नहीं मिलेगा, ठीक है, सॉल्ट मार्शेस में भी नहीं, आपको वेस्टर्न घाट जो है वहां पर देखने को जरूर मिलेगा, केरला के अंदर। आपको मालूम है स्टेट बर्ड इसलिए उन्होंने बना रखा है। आपको बताना था ट्राइबल लैंड जो प्राइवेट पार्टीज को माइनिंग के लिए डिक्लेयर दी जाती है, जिसको नन एंड वॉइड घोषित किया गया है, तो ये जो कौन सा शेड्यूल है जो कि ट्राइबल लैंड के बारे में बात करता है, तो ये सवाल था 2019 के सिविल सर्विसेज में आया था और ये 5th शेड्यूल आपका सही जवाब होगा। और 2009 के अंदर सवाल आया कितने साल के लिए यूनाइटेड नेशंस जो अपने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल होता है, तो 2 साल का होता है, तो 2 ईयर्स आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्री टेस्ट एसएससी रेलवे का आपको क्लास 24 पे अवेलेबल है, आप टेस्ट में जाके इस तरीके से फ्री टेस्ट पे यहाँ पे जाके लगा सकते हैं। करंट अफेयर का बैच मैंने कंप्लीट करवा दिया, अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए लेना है तो B20 रेफरल कोड काम में ले लेना, आपको 399 रुपीज में मिल जाएगा। यहाँ पे मेरे कंप्लीट 1 साल का करंट अफेयर, 1000 से भी ज्यादा क्वेश्चन, इजी, मीडियम, हार्ड, हर तरीके के करवा रखे, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच है आपका 2000 रुपए में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और विजय बैच GD का जो है, आपको यहाँ पे सारे लाइव क्लासेस चल रही है सारे एग्जाम्स की, मतलब सारे सब्जेक्ट की, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आपको ऐप डाउनलोड करनी है, SSC में जाना है और GD या जो भी आपका गोल है, आप सब्जेक्ट की भी अलग से कर सकते हो, मैथ के अलग से है, रीजनिंग अलग से है, सब कुछ है। ELP के लिए आपके लिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का लॉन्च हो चुका है शुभम सर का, स्माइल फॉर्म में आप वॉलंटियर बन सकते हो या फिर एक हैप्पीनेस सब्सक्राइबर के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हो। आज का कोट ऑफ द डे देखते हैं जो कि टीचर्स को लेकर है। आपको जिंदगी के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि बहुत सारे लोगों ने समझाया होगा, मेरी भी जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने मुझे भी समझाया था, जब मेरी भी जब 18, 20, 22, 25 साल के जब होते हो तब शायद आप इतनी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो, नहीं पता आपको जिंदगी में क्या करना होता है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हो। तो टीचर्स कैन ओपन द डोर बट यू मस्ट एंटर इट योरसेल्फ। आपको लोग सिर्फ बता सकते हैं, आपको सिर्फ जागरूक कर सकते हैं, लेकिन काम आपको ही करना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे जो भी डिसीजन आप लेते हो उसके रिपरकशन, उसके अच्छाइयां बुराइयां सब आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो किसी और के ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालना है, किसी और के ऊपर कभी भी थोपना नहीं है, है ना। हमने हमारे जिंदगी के साथ जो भी हम कर रहे हैं, अच्छा बुरा कोई बात नहीं, फ्यूचर में आज आपने मेहनत करना स्टार्ट किया है, आपको रिजल्ट मिलेंगे 2-3 साल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी हमारे साथ हो रहा है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ आर एक्शन, इसमें किसी और का कोई भी लेना देना नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, हम लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, उसने मुझे नहीं पढ़ाया, उसने मुझे ये नहीं किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे स्कूल में नहीं करवाया, दिस एंड दैट। लेकिन जो आपको मिला है, आपके पास ये रिसोर्सेज है, अब इसी को आपको यूटिलाइज करके जिंदगी में कुछ करना है। सिंपल सी कंसेप्ट है, ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं। और ये चैनल है अपना लर्न विद भुवनेश्वर, मैंने इसको नवंबर के वन लाइनर यहाँ पे करवा दिए हैं, तो ज्वाइन कर लेना, देख लेना। 100 क्वेश्चन करवाए नवंबर के वन लाइनर के तौर पे, रिवीजन हो जाएगा। डेली मैं एसएससी सीजीएल के आपके एनालिसिस भी करवा रहा हूँ, देख लेना। कल के दैनिक के फ्रंट पेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे ठीक है पीओके वाले पार्ट के बारे में बात करी गई है। यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड की सेल जो है वो वापस से स्टार्ट कर दी गई है। जब भी इलेक्शन आते हैं ये सेल जो है वो चालू हो जाती है, जिससे बहुत सारा पैसा है जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिलता है। ठीक है गाइस, 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की शुरुआत है जो कि करी गई थी, है ना। और इसमें बोला गया था कि एसबीआई बैंक में जाओ और आपको जो भी 1000 के मल्टीप्लीकेशन में कितना भी डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टी को दे दो, आपका नाम पहचान किसी को नहीं बताया जाएगी। तो एक तरीके से ब्लैक मनी को बिल्कुल जो है ना पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए साफ तौर पर ओपन कर दिया गया। ओके, तो ये सेल है जो कि ओपन हो जाती है इलेक्शन से पहले, वो यहाँ पे बताया गया है, कुछ खास नहीं है। चलो, और हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पेज नंबर 6 के बारे में, यहाँ पे न्यूज इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे, ठीक है, महाराष्ट्र को लेकर। यहाँ पे देखिए, महाराष्ट्र दोस्तों देश में पहली ऐसा मंत्रालय, ऐसा स्टेट है जिसने अलग से एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है जो कि दिव्यांग के लिए बनाई है। ओके, आपको मालूम ही अभी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज गया था, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सैटरडे को क्या किया, इनॉग्रेट किया। सैटरडे को ही आपका इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी था, तो उसी दिन दोस्तों क्या किया गया, सैटरडे के दिन इनॉग्रेट है जो कि मंत्रालय, इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है जो कि लॉन्च करी गई है उन लोगों की नीड के लिए, एजुकेशनल प्रोफेशनल नीड जो कि दिव्यांग है हमारे देश में। फर्स्ट स्टेट है हमारे इंडिया में जिस तरीके किसी ने अगर दिव्यांग असेंबली करी है या इस तरीके से कोई इंडिपेंडेंट मंत्रालय है जो कि बनाया है। यहाँ पे 2000 पोस्ट क्रिएट करी गई है, 1500 करोड़ रुपए का बजट है जो कि यहाँ पे दिया गया है, है ना। और स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जाएगा, तो ये चीज इसके अंदर बताई गई है। अब देखिए, 2011 के सेंसस के हिसाब से जब हमारी 121 करोड़ की पॉपुलेशन थी, तब हमारे देश के अंदर 2.21% जो टोटल पॉपुलेशन है, यानी कि नियर बाय 3 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन हमारे यहाँ पे डिसेबल यानी कि दिव्यांग है, है ना। और नियर बाय 2.68 करोड़ थी अगर मैं एक्यूरेटली बात करूं, जिसमें से 1.5 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिलाएं थी। मेजॉरिटी 69% जो थे वो रूरल एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। ओके गाइज, तो दिव्यांग के अंदर अलग अलग कैटेगरीज है जो कि मानी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोसी है, डाफिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल इलनेस है ना, थैलेसीमिया और मल्टीपल पार्किंसन डिजीज है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। तो 40% से कम अगर कोई भी एरिया अगर जो है वो डिसेबल है तो हम डिसेबिलिटी के अंदर इंक्लूड है जो कि उसको करते हैं। आर्टिकल 41 के अंदर भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप है उसके अंदर आर्टिकल 41 के तहत दोस्तों बोला गया है डीपीएसपी में कि हमें सभी लोगों के लिए इक्वलिटी, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस, ये सब जो है वो अवेलेबल करवाना चाहिए। ठीक है, साथ में जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसके अंदर जो 7th शेड्यूल है, जो 7th शेड्यूल में जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसके अंदर भी रिलीफ देने की बात है जो कि डिसेबल एंड अनएम्प्लॉयबल डिसेबल को देने के लिए बोला गया है। ऑलराइट, तो ये अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से यहाँ पे पूरा का पूरा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है जो कि दिखाई गई है ना। चलो, और मैक्सिमम परसेंटेज है सुनने के अंदर और देखने के अंदर, है ना। मैक्सिमम परसेंटेज आपको मूवमेंट यानी कि चलने फिरने के अंदर और सुनने और देखने में, तो ये मैक्सिमम देखने को मिलेगी। ठीक है गाइस, चलो ये तो हो गया। इसके अलावा रिजर्वेशन की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब के अंदर 3-4% देखने को मिलता है और हायर एजुकेशन में 3-5% है जो कि देखने को मिलता है। अगर किसी के 6-18 साल की एज ग्रुप के अंदर अगर कोई डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो राइट टू फ्री एजुकेशन वैलिडेट होता है गवर्नमेंट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। जॉब जो है, मतलब एजुकेशन जो है वो फ्री मिल जाती है ना। और चलिए, साथ में हम लोग एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन के ऊपर भी काम करना स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ने कि हर जगह पर रैंप हो, लोगों के चलने फिरने में दिक्कत नहीं हो। आपको मालूम है हमारे यहाँ पे, हमारे देश से बहुत सारे लोग हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने चले जाते हैं जिनके मूवमेंट की प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम है, डिपेंड होना पड़ता है कहीं ना कहीं रोड क्रॉस, मतलब जाने के लिए रैंप के ऊपर जाने के लिए हर जगह पर। तो ये एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन इसीलिए चलाया गया था ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं रहे। एंड ऑफ द डे हमें एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनानी जरूरी होती है जो कि सभी लोग अपना सारा काम करने के केपेबल हो सके। ठीक है, हेल्प की जरूरत तो सबको ही पड़ती है, मुझे भी पड़ती है, आपको पड़ती है, सबको पड़ती है। ओके, लेकिन इंक्लूसिव सोसाइटी होना बहुत जरूरी है। आगे बात करते हैं, और ये जागरूकता फैलाना भी बहुत जरूरी लोगों के अंदर, है ना, कि कोई भी अगर मान लीजिए किसी के कोई मेंटल डिसऑर्डर है तो अलग ही लेवल पे देखेंगे, अलग ही तरीके से ट्रीट करेंगे। दैट इज नॉट
दैट इज नॉट, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोई जानबूझ के हुआ यार वो, है ना, इट इज कम्प्लीटली ओके. उनको चांस देना, उनको एजुकेट करना, हेल्प करना और लाइफ में आगे बढ़ने का मौका देना, दैट इज कम्प्लीटली दे आर राइट. चलिए आगे बात करते हैं, पेज नंबर 9. यहाँ पे जो डिस्कशन किया गया है वो हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, हाउस बोट को लेकर. तो श्रीनगर के अंदर क्या है कि अभी हाउस बोट फेस्टिवल है जो कि लॉन्च किया जा रहा है ताकि टूरिज्म को जो है वो बूस्ट कर सके. अभी क्या होता है, सर्दियों में श्रीनगर में टूरिज्म थोड़ा कम हो जाता है, सर्दियां बहुत ही खतरनाक लेवल पे पड़ती है, डल लेक वल लेक सब जम जाती है. तो गर्मियों में तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं, इस बार तो बहुत ही रिकॉर्ड तो टूरिज्म है जो कि रहा है कोविड के बाद में जो रहा, लेकिन अब सर्दियों में टूरिज्म थोड़ा कम हो जाता है, इसीलिए हाउस बोट फेस्टिवल है जो कि यहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है. तो हाउस बोट क्या होती है, देखो ये इस तरीके की जो नाव होती है ना उसको तो बोलते हैं शिकारा. शिकारा नाम की एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा, विधु विनोद चोपड़ा की. तो ये शिकारा होती है जिसके अंदर आप अपनी हाउस बोट तक जाते हो. हाउस बोट कुछ इस प्रकार की होती है, ये तरीके से होटल ही होते हैं लेकिन बोट के ऊपर बने हुए होते हैं. अब जैसे ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर दो रूम आपको देखने को मिल जाएंगे. ऐसे नियर बाय 10,000 हाउस बोट यानी कि होटल जो बोट के ऊपर है, ये आपको पूरी डल लेक के अंदर देखने को मिलेंगे, है ना. चलो ठीक है, आगे बात करते हैं पेज नंबर 11. यहाँ पे आप रुक सकते हो, 3,000-4,000 रुपए टाइप का रेंट से स्टार्ट होता है जो कि 50,000 रुपए तक जाता है. बहुत लग्जरियस भी बना रखे हैं और बहुत नॉर्मल से भी बना रखे हैं, है ना. चलो पेज नंबर 11 के बारे में बात करेंगे. यहाँ पे जो बात करी गई है वो मेट्रोइड के बारे में बात करी गई है. अभी दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला भी है सॉल्ट इनटेक का लेकर. अभी रिसेंटली एक लार्ज स्टडी है जो कि करवाई गई और उसमें बताया गया कि अगर आप अपनी बॉडी में सॉल्ट का इंटेक कम करते हो तो उसका बहुत बेनिफिट है जो कि आपको मिलता है. देखो सॉल्ट है ना, जितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी को उतना नेचुरली आपको वैसे ही मिल जाती है आपके खाने के साथ में, कभी भी ऊपर से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है. आप जो भी बाहर प्रोसेस्ड फूड खाते हो ना, जो भी बाहर आप जो फास्ट फूड होता है उन सबके अंदर आपको सॉल्ट भयंकर मिलेगा, है ना. हमारी बॉडी को जरूरत नहीं होती, सिर्फ 5 ग्राम की जरूरत होती है, लेकिन एवरेजली जब यहाँ पर रिसर्च करी गई ओके तब पता लगा कि ऑन एन एवरेज एक पर्सन 10 ग्राम के आसपास कंज्यूम है जो कि कर रहा है. इस रिसर्च के अंदर नियर बाय 2,50,000 लोगों के ऊपर रिसर्च है जो कि करी गई यूके के बायोबैंक के द्वारा. और इसमें बताया गया कि इसकी वजह से आपको हार्ट अटैक भी बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक जो है वो बढ़ जाती है अगर आप फूड के अंदर एक्स्ट्रा सॉल्ट ऐड कर रहे हो तो. समझ गए मेरी बात. तो यहाँ पे डैश डाइट के बारे में बोला गया है. देखो जब ब्रिटिशर्स थे ना हमारे यहाँ पे, तो ये बात सबको पता है कि भाई नॉर्मली कि जितना हम लोग कंज्यूम करते हैं फूड जो खाते हैं उसमें हो जाती है सॉल्ट की रिक्वायरमेंट पूरी, लेकिन फिर भी जो है ना वो एक्स्ट्रा प्रमोट करने के लिए बोला गया कि आयोडीन के लिए सॉल्ट बहुत जरूरी है ये वो, क्योंकि उस टाइम पे आयोडीन की कमी थी देश के अंदर, जबकि वो नॉर्मली पूरी हो रही थी जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था. लेकिन सॉल्ट इंडस्ट्री ने इसका बहुत फायदा उठाया, बहुत इसको आपकी बॉडी के साथ में रिलेट करके भयंकर जो है वो बेचना चालू किया. और आपको पता नहीं है जो सॉल्ट की थी जो पूरा बैग आता ना उसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम होती है. कोल्ड ड्रिंक और आपका सॉल्ट का जो पैकेट है इनकी कॉस्टिंग 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए से ज्यादा नहीं होती है. और ये बेचते कितने में, कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए 15-20 रुपए के अंदर, है ना. और आपका सॉल्ट वाला भी सेम सीन है. तो बहुत पैसा है जो कि कंपनी ने बनाया, इसीलिए इसको प्रमोट किया गया ओके. जबकि ये आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो नेचुरली पूरी हो जाती है. अगर सॉल्ट का इंटेक करना ही है तो थोड़ा सेंधा नमक जो आता है ना, रॉक सॉल्ट जिसको अपन कहते हैं, वो फिर भी एक बेटर वर्जन है. उसके अंदर केमिकल और ये सब प्रोसेसिंग थोड़ी कम होती है, ना के बराबर होती है ठीक है. अब तो खैर उसमें भी होने लग गई है, लेकिन इंपॉर्टेंट है डैश डाइट. अभी डैश डाइट क्या होती है, डैश डाइट के अंदर बोला जाता है डाइट्री, इसका पूरा फुल फॉर्म ये देखिए, डाइट्री अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन ठीक है. तो ये डैश डाइट में रिकमेंडेशन होता है कि आपको कार्डियोवैस्कुलर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. नहीं होने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप भाई वेजिटेबल खाओ, फ्रूट खाओ, जो भी लीन मीट होता है अगर कोई नॉनवेज कंज्यूम करता है तो, है ना, नट्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, सैचुरेटेड फैट का कंजप्शन कम करो, कोलेस्ट्रॉल और शुगर इन सब का कम करो ठीक है. तो WHO ने 5 ग्राम सॉल्ट है जो कि पर डे रिकमेंड है जो कि कर रखी है, जिसके बेनिफिट है जो कि बताए गए हैं ठीक है. अगर आप सॉल्ट टेबल के ऊपर, अगर आपके सॉल्ट नहीं है तो दैट इज द बेस्ट वर्जन, है ना. आपके टेबल के ऊपर सॉल्ट, टेबल सॉल्ट नहीं होना चाहिए ओके. उसी के इमेंस बेनिफिट है जो कि यहाँ पे बताए गए हैं. चलो ठीक है, ऑलराइट. उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी. हाई सोडियम कॉन्टेंट है जो कि आपको देखने को मिलता है. NaCl जो है क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड होता है. NaCl होता है 96% के आसपास, है ना, इसके अंदर मैक्सिमम भी 96 से भी ज्यादा होता है इनफैक्ट ओके. और 1 ग्राम जो सोडियम है उसमें 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट है जो कि आपको नॉर्मली देखने को मिलता है. चलो ठीक है,
नेक्स्ट है सोमालिया के अंदर दोस्तों अभी रिसेंटली एक मेट्रोइट है जो कि आके गिरा, उसके ऊपर स्टडी करी गई है, उसके बारे में बताया गया है। रिसर्चर ने दो यहां पे देखिए 3 नए मिनरल्स के बारे में पता लगाया है। अभी एक आयरन बेस्ड मेट्रोइट, आपको मालूम है ना ये जो मेट्रोइट आते हैं ना हमारे अर्थ के ऊपर, ये आयरन बेस्ड था यानी कि आयरन से बना हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे अर्थ के ऊपर दोस्तों पानी जो आया है वो भी मेट्रोइट के टकराने की वजह से आया, आयरन जो आया है वो भी मेट्रोइट के टकराने की वजह से आया। हमारे सन, हमारे सोलर सिस्टम, हमारे अर्थ की जो एज मानी जाती है वो 4 से 5 बिलियन ईयर्स पुराना हमारा माना जाता है सोलर सिस्टम, हमारी अर्थ भी उतनी मानी जाती है, 4.6 बिलियन बोलते हैं, बिलियन ईयर्स पहले जो है फॉर्मेशन हुआ था। ओके, उसके बाद में कई बार टेम्परेचर कोल्ड रहा, कई बार हॉट रहा, इस तरीके से रहा, और जब एक कई बार मल्टीपल टाइम्स हमारे अर्थ जो है वो मीटियोर से टकराई और वहीं से ही कई सारी चीजें हैं जो कि हमारे अर्थ के ऊपर आई। ओके, तो उसी से फिर हमारे यहाँ पे ओरिजिन देखने को मिला, पहले समुद्र, पहले पानी आया, पानी के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ, बैक्टीरियाज बने, फिर छोटे छोटे से मरीन एनिमल्स, फिर लैंड के, इस तरीके से चलती गई लाइफ आगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से 3 नए मिनरल्स के बारे में पता लगाया गया है जो एक ह्यूज आयरन बेस्ड मेट्रोइट है जो कि सोमालिया के अंदर गिरा था। इसको नाम दिया गया है, ये नाम ध्यान रखिएगा, पेपर में आपसे पूछेंगे ये इलेलाइट के बारे में, इसके बारे में पूछेंगे कि ये क्या है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है गाइस, सोमालिया के अंदर रिसेंटली गिरा है और ये नेम है जो कि इसको दिया गया है। ओके, 2 मीटर का वाइट था, 2 मीटर काफी अच्छा खासा होता है, मतलब 2 मीटर का वाइट था, और ठीक है नाइजीरिया के अंदर, सोमालिया के अंदर देखने को मिला, और इसको नाइटफॉल नाम है जो कि वहां के लोकल लोगों के द्वारा दिया गया। अब फर्क समझने की कोशिश करें, सबसे पहले होता है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड आपको मालूम है मार्स और जुपिटर एमजे के बीच में देखने को मिलता है, याद है मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एमजे और फिर लास्ट में सन, ये ऑर्डर होता है ना, तो इसके बीच में ये जो बेल्ट है ना इसको हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। तो एस्ट्रॉइड का अगर एक कोई छोटा सा टुकड़ा टूट के अगर हमारी अर्थ की तरफ या कहीं पर भी चले जाए तो हम उसको मीटरॉइड कहते हैं। समझने की कोशिश करिएगा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड फॉर्मेशन है मीटरॉइड, ROID। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में आ रहा होता है तब हम लोग उसको बोलते हैं मीटियोर, जब इस तरीके से इसके बर्निंग टेल है जो कि देखने को मिलती है और हम लोग बोलते हैं ये देखिए टूटता हुआ तारा या समथिंग, है ना, इस तरीके से भी बोला जाता है। तो ये तीसरा फेज है, मेट्रोइड हो गया, मीटियोर हो गया, अब RITE इसके बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं ये कब होता है, जब हमारे ग्राउंड के ऊपर आके ये गिर जाए, हमारे ग्राउंड पे जब आके गिर जाता है तो हम उसको मीटराइट है जो कि कहते हैं। ठीक है, जब हमारे ग्राउंड तक ये पहुंच जाए, तो ये हो गया आपका चौथा पार्ट। तो सबसे पहले एस्ट्रॉइड, उसमें से निकला मेट्रोइड, जब हमारे एटमोस्फेयर की तरफ आया मीटियोर, और तब हमारे यहाँ पे गिरा तो मीटराइट। ठीक है, और इसी तरीके का एक कॉमेट भी देखने को मिलता है, कॉमेट को भी है ना ये गैस रिलीज करता है जब ये सन के पास में पहुंच जाता है, क्योंकि ये बर्न हो जाता है ना, ये आइस बॉडी से बना हुआ होता है कॉमेट। ऑलराइट, तो ये आपको फर्क जो है वो पता होना चाहिए, हम लोग बात कर रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि ग्राउंड पे पहुंच गया तो हमने सोमालिया पे गिरा जाके, तो इसलिए हमने ये नाम है जो कि इसको दिया है। चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 16 की, यहाँ पे बात करेंगे शरद कमल को लेकर। शरद कमल दोस्तों को चेयरपर्सन है जो कि IEEE के एथलीट कमीशन के अंदर बन गए हैं। IEEE क्या है, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है, जिसका हेडक्वार्टर आपको लुसेन स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। 227 कंट्रीज इसके मेंबर है, मतलब मेंबर एसोसिएशन है, सारे कंट्रीज है, उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स भी हुए, और 1926 के अंदर इसका फॉर्मेशन किया, पेट्रा है जो कि अभी इसके प्रेसिडेंट है। तो इसके जो एथलीट कमीशन है उसके को चेयरपर्सन है जो कि शरद कमल को बनाया गया है। शरद कमल के दोस्तों अभी रिसेंटली इनको खेल रत्न से अवार्ड से भी सम्मानित है जो कि किया गया है, तो डबल अपॉर्चुनिटी है जो कि रिसेंटली, दो अच्छी खुशखबरी है जो कि इनको मिले हैं। 2 बार कॉमनवेल्थ गेम्स के सिंगल चैंपियन भी शरद कमल है जो कि रह चुके हैं। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे एक तो ये देखिए, ये उसी के बारे में बताया, केरला के अंदर वर्ल्ड कप का फीवर है जो कि दिखाया गया है, काफी लोग फॉलो करते हैं, है ना। यहाँ पे कश्मीर फाइल्स को लेकर और कंट्रोवर्सी हो गई, एक वहां पे जो अपने जूरी मेंबर था जो बुलाया था उसने तो बेकार पिक्चर बताया, उसके बाद 3 और लोगों ने जो जूरी के थे उन्होंने भी लैपिड जो पर्सन थे फ्रेंच डायरेक्टर राइटर उनको सपोर्ट किया कि इस मूवी को दिखाने का कोई मतलब नहीं था, है ना। और एंड ऑफ द डे बहुत अच्छी अच्छी मूवीज हमारे यहाँ पे बनती है, तो अगर उनको शोकेस किया जाए जो रीजनल सिनेमाज है
तो ज्यादा बेटर है कंपैरेटिवली कोई पॉलिटाइज मूवी को जो है शोकेस किया जाए। तो उसके वजह से काफी IEEE के अंदर भी काफी कंट्रोवर्सी हो गई। यहाँ पे बात करते हैं जो कि है पद्म भूषण को लेकर। रिसेंटली दोस्तों सुंदर पिचई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और तरनजीत सिंह सिंधु ऊपर देख सकते हो उन्होंने पद्म भूषण अवार्ड है जो कि अमेरिका के अंदर दिया है ना। सुंदर पिचई इंडिया आ नहीं पाए थे तो उनको वहां पर हैंड ओवर किया गया। तो ट्रेड और इंडस्ट्री कैटेगरी के अंदर उनको ये पद्म भूषण अवार्ड है जो कि मिला है। ये दोस्तों पद्मश्री है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बीच में तो लोटस है और ऊपर पद्मश्री, ऐसे ऊपर पद्म लिखा रहता है, नीचे श्री लिखा रहता है और सत्यमेव जयते लिखा रहता है, ठीक है गाइस। प्लैटिनम से बने हुए होते हैं सारे के सारे, प्लैटिनम से बने हुए होते हैं, चाहे पद्मश्री हो, भूषण हो या फिर विभूषण हो। 1954 में शुरुआत हुई, आज तक 3200 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। उसी प्रकार से पद्म भूषण के बारे में बात करें, जो कि पद्म भूषण अभी सुंदर पिचई को मिला है, तो वही प्लैटिनम से बना होता है। 54 में शुरुआत हुई, 1200 लोगों को दोस्तों ये, 1300 लोगों को ये मिल चुका है। उसी प्रकार से पद्म विभूषण की बात करें तो बनाने का तरीका सब कुछ सेम है। 54 में शुरुआत हुई, उस टाइम पे जिंगमे डॉर्जी वांगचुंग, वी के कृष्णा मैनन, गंगाधर खेर, जाकिर हुसैन, नंदलाल बोस और सत्येंद्र नाथ बोस, 1954 में सबसे पहले इन लोगों को दोस्तों, 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2022 के अंदर बिपिन रावत, कल्याण सिंह, प्रभा आरते और राधा श्याम जी है ना, 3 लोगों को 4 में से पोस्टमस लिए जो कि पद्म विभूषण दिया गया है। टोटल 325 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। ओके, इस बार अगर आपसे पद्म भूषण के बारे में बात करें तो पद्म विभूषण तो मैंने बता ही दिया है आपको, है ना, 4 लोगों को मिला है। लेकिन पद्म भूषण की बात करें तो ये सारे लोगों को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। पद्मश्री बहुत लोगों को मिलता है, 100 से भी ज्यादा, तो वो याद नहीं कर पाओगे, मत करना। पद्म भूषण में आपको कुछ लोगों के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि गुलाम नबी आजाद को मिला है, इन्होंने पार्टी बदल लिया अभी, और एक तो इनको मिला, नटराजन चंद्रशेखर जी इनको मिला, और देवेंद्र झाझड़िया जी, राशिद खान, राजीव महर्षि, सत्य नडेला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के सुंदर पिचई, साइरस पूनावाला, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ नाम है जो कि आपको पता होना चाहिए। इन लोगों को भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंटली यही है ना। कृष्णा इला, ये भी इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इंडस्ट्री तेलंगाना से, ये नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं एस्टोनिया को लेकर। देखो एस्टोनिया नाटो मेंबर भी है और रशिया का नेबर भी है, ठीक है। अब यूक्रेन के अटैक होने के बाद में जितने भी रशिया के जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज, सबको डर सता गया है कि पता नहीं है रशिया कब क्या कर जाए, कब अटैक करे और हमारे देश में भी यूक्रेन जैसे हालात देखने को मिले। इसीलिए सब अपने अपने डिफेंस को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो के साथ में इनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई है, क्योंकि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर जो अटैक किया उससे उसको कोई बेनिफिट मिला नहीं, एंड ऑफ द डे नुकसान ही हो रहा है, फायदा कुछ हुआ नहीं जितना उसने सोचा था कि 10-15 दिन के अंदर ही सब कुछ तख्ता पलट कर देगा और सब कुछ बदल देगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब उसके बाद क्या हो गया कि जो लोग मिडिल में थे ना वो भी नाटो की तरफ जाने लग गए। ओके, स्वीडन फिनलैंड तो अप्लाई कर चुके हैं, वो कहानी अलग है, लेकिन नाटो मेंबर रशिया का नेबर एस्टोनिया भी क्या कर रहा है, डिफेंस कैपेबिलिटी को एडवांस कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, और उससे यूएस को फायदा हो रहा है, क्योंकि यूएस से दोस्तों $200 मिलियन का क्या कर रहा है, एक रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है जो कि ये परचेज कर रहा है। अब कोई भी अगर मान लीजिए पड़ोसी देश है, अगर वो उसको अगर डर सता रहा है रशिया का, तो वो अमेरिकन इक्विपमेंट खरीद रहा है, तो फायदा किसको होगा, अमेरिका को होगा। अमेरिका के ये बहुत बड़ा एजेंडा भी रहा है बहुत सालों से, कि अमेरिका बहुत सारे दुनिया के रीजन में अनरेस्ट की कंडीशन पैदा रखता है ताकि वहां के डरे हुए देश जो है वो हथियार खरीदते रहे, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को बूस्ट करते रहे, और उससे एंड ऑफ द डे फायदा किसको होता है, यूएसए को होता है। यूएस की बहुत बड़ी, जैसे कि वहां पे गन की इंडस्ट्री बहुत बड़ी है ना, वैसे ही रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है। दुनिया की सारी जो अगर आप टॉप 3-4 कंपनी जो सबसे ज्यादा हथियार बेचती है वो देखोगे सारी यूएस की मिलेगी। ओके, लॉकहीड मार्टिन है और ये सब जो है, ओके, ये क्या बोलते हैं अपने एयरक्राफ्ट बेचने वाली बोइंग, ये सब जो है वहीं पर ही देखने को मिलेगी। अब देखो बिन बात ही जो है वो चलते फिरते बाल्टिक कंट्री है, ओके, ज्यादा कोई लेना देना था नहीं, छोटा सा कंट्री है, कोई ज्यादा कोई GDP है नहीं, फिर भी $200 मिलियन का टेंडर है जो कि अभी यूएसए को दे दिया है। और ये लोग एक हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है, इसको बोलते हैं HIMARS, ठीक है, हाईमार्स रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज है 70 से 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है,
ओके, ये लोग मार्टिन जो कॉर्पोरेशन लॉकिन मार्टिन कंपनी है ना, उससे दोस्तों ये लोग ये टेंडर है जो कि मतलब ये हथियार खरीद रहे हैं, 2024 तक इनको ये हथियार है जो कि मिल जाएगा। समझ गए मेरी बात? अब तक का सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट है डिफेंस के अंदर $200 मिलियन का। बिन बात ही वो है ना, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोला बाना आना, वही वाली बात है कि कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है, ऊपर से हथियार खरीदने और बढ़ रहे, पैसे और लग रहे। अब देखो छोटा सा कंट्री है ना, एस्टोनिया, लातविया, लुथेनिया, ये बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं तीनों को, है ना, एस्टोनिया। अब इसके बॉर्डर रशिया से भी है, अब कल को लातविया भी खरीदेगा, लुथेनिया भी खरीदेगा, पोलैंड भी खरीदेगा, बेलारूस तो खैर खरीद रहा है बहुत टाइम से, ये सबका सेम कहानी हो जाएगी। अब इस रीजन के अंदर जो है वो क्या होगा, डिफेंस की सेल जो है वो बढ़ जाएगी। ओके, ये अमेरिका का बढ़िया काम है। इंडिया पाकिस्तान को कितने हथियार भेज दिए इसने यार, आपको मालूम होगा देश की आजादी के टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था, क्यों? क्योंकि पता है कि भाई इंडिया तो रशिया का सपोर्टर है, रशिया से खरीद रहा है, इस डर से पाकिस्तान ने बहुत सारे हथियार खरीदे। और धीरे धीरे जब अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई, अफगानिस्तान में अपने बड़े बड़े हथियार उतारे, ताइवान में उतारे, इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट उतारने, दिखाएगा कब? जब कोई युद्ध होगा, तब कोई बात होगी, तभी तो अपने हथियार दिखाएगा। दिखाएगा तो दुनिया इंप्रेस हो जाती है कि वाह यार क्या क्या हेलीकॉप्टर लेके आया है, वाह यार इससे मिसाइल भी जा रही है हेलीकॉप्टर से, क्या बात है, खरीदो उसको, चिनूक ले लो चिनूक को। इस तरीके से वो अपने वॉर जोन बना के वहां पे अपने हथियार देखकर दिखाकर दुनिया को बेच देता है अमेरिका, और दुनिया खरीदती है ना, वो वाली कहानी है। तो टैलिन दोस्तों इसकी राजधानी है एस्टोनिया की, और 23% रशियंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, यूक्रेनियंस भी है, एस्टोनियन तो क्या रही है। 65% यहाँ पे लोग कोई रिलीजन को नहीं मानते, है ना, नो रिलीजन वाले लोग हैं। प्रेसिडेंट है यहाँ पे अलार, इंडिपेंडेंस इसको रशिया और जर्मन एम्पायर से जो है वो मिली थी, ठीक है, 1991 के अंदर जो है इंडिपेंडेंस को पूरी तरीके से मिली, 2004 में इसने यूरोपियन यूनियन को भी ज्वाइन कर लिया था। पॉपुलेशन कोई ज्यादा नहीं है, 13 लाख की पॉपुलेशन है, 1.5 मिलियन की पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन तो हमारे जो है ऐसे ही किसी कॉलोनी के अंदर भी देखने को मिल जाती है, दिल्ली के अंदर मुनिरका में मिल जाएगी इतनी पॉपुलेशन तो, है ना। जीडीपी की बात करें, पॉपुलेशन कम है तो जीडीपी ज्यादा अच्छी है, $30,000 पर पर्सन पर ईयर, एसडीआई में आई है, यूरो करेंसी है जो कि यहाँ पे चलती है। जनसत्ता के बारे में बात करें तो फ्रंट पेज पे जनसत्ता में कुछ खास नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए अर्थ शॉट अवार्ड को लेकर है। अर्थ शॉट अवार्ड के बारे में आपने सुना होगा, प्रिंस विलियम्स ने दोस्तों इस अवार्ड की शुरुआत करी थी उन लोगों के लिए जो लोग इन्वायरमेंट में बहुत अच्छा काम करेंगे। तो दुनिया में 5 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्राकृतिक संरक्षण एवं बहाली, इस श्रेणी के अंदर विजेता जो है एक हमारा इंडियन स्टार्टअप है जिसका नाम है ख्याति, ख्याति नाम का स्टार्टअप है, उसको अर्थ शॉट पुरस्कार है जो कि मिला है। इन्होंने क्या किया है, किसानों को कम लागत में पैदावार करने, जलवायु परिवर्तन को रोकने, उस चीज के ऊपर काम किया, इस वजह से इसको उनको यह अवार्ड है जो कि मिला है। ठीक है गाइस, काफी अच्छा प्राइज मनी मिलता है इसके अंदर, मतलब 2030 तक हर साल 5 अर्थशॉट पुरस्कार है जो कि देने के लिए बोला गया है, ठीक है, और काफी अच्छा खासा पैसा मिलता है, £10,00,000 ये प्राइज मनी है इसके अंदर, £10,00,000। ठीक है, द हिंदू के आज के न्यूज पेपर के बारे में बात करें तो कल बहुत ही यार खतरनाक मैच था, खतरनाक तो क्या था, कल बांग्लादेश से इंडिया हार गया, बहुत ही खतरनाक खेला बांग्लादेश, मतलब एक लास्ट विकेट में 50 रन बना के चला गया और काफी सारे कैचेस भी छूटे हमारे। यहाँ पे कांग्रेस ने डिसाइड किया है कि न्यू CWC है जो कि वो बनाएगा, वर्किंग कमेटी बनाएगा। यहाँ पे दोस्तों ईरान ने फाइनली मोरालिटी पुलिस जो थी उसको हटा दिया है, जिसकी वजह से एक बहुत लार्ज प्रोटेस्ट है जो कि वहां पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली के अंदर बहुत ही कम लोगों ने वोटिंग करी, 50% लोगों ने जो MCD के इलेक्शन में वोटिंग करी है। इसके अलावा यहाँ पे जर्मन मिनिस्टर का कॉमेंट है, यहाँ पे गुजरात इलेक्शन का है, बाकी कुछ खास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन अ रेयर गेस्चर ईरान शट मोरालिटी पुलिस। तो देखो ये मोरालिटी पुलिस का क्या यहाँ पे टेंट्रम में मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आप सोचिए कि एक ऐसा देश जहां पे एक पुलिस बनाई गई है सिर्फ ये देखने के लिए लोग कपड़े कैसे पहन रहे हैं, कितनी अजीब बात है, मतलब ये देखने के लिए कि भाई पुरुष ने दाढ़ी वाड़ी अच्छे से रख रखी है कि नहीं, बाल वाल कटे हुए हैं कि नहीं है, कोई वेस्टर्न हेयर कट तो नहीं अपना रखा, कहीं बाल खड़े वड़े तो नहीं कर रखे, कटिंग तो नहीं बना रखी, ठीक है, अलग तरह के कलर तो नहीं करवा रखे, अरे महिलाओं ने जींस तो नहीं पहन रखी, इस तरीके के लोगों के कपड़े चेक करने के लिए पुलिस बना रखी थी यार, उसका नाम मोरालिटी पुलिस रखा हुआ था इन्होंने, है ना, काफी सालों से चल रहा था ये। फाइनली क्या हुआ, इन्होंने एक महिला थी, है ना, उसको अभी कुछ टाइम पहले अरेस्ट किया, 3 दिन के टॉर्चर के बाद में उस महिला की डेथ हो गई, और उसके बाद में देश में दोस्तों वाइड प्रोटेस्ट है जो कि स्टार्ट हो गया, देश की पूरी महिलाएं यहाँ पे आप देख सकते हो रोड पे आ चुकी थी, पिछले 2 महीने से बहुत ज्यादा अनरेस्ट की कंडीशन थी। ईरान के हालात पहले भी सही नहीं है, ईरान के ऊपर यूएस ने सैंक्शन लगा रखे हैं, इकोनॉमिक वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है, इकोनॉमी जो चल रही है वो डोमेस्टिक कंजप्शन की वजह से चल रही है। अब डोमेस्टिक के अंदर भी अगर इस तरीके से प्रोटेस्ट होने लगेगा
तो फिर देश के हालात क्या होंगे, सोच सकते हो आप। तो फाइनली दोस्तों मोरल्टी पुलिस को 2 महीने के प्रोटेस्ट के बाद में इन्होंने हटा दिया। एक अमीनी करके दोस्तों एक लेडी थी, उसको इन्होंने अरेस्ट किया था, है ना, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड फॉर वुमेन को लेकर। उनके डेथ होने के बाद में दोस्तों ये लार्ज प्रोटेस्ट है जो कि स्टार्ट हो गया, ठीक है गाइस। 16 सितंबर को उसकी डेथ हुई थी अरेस्ट होने के बाद में। तो उसके बाद में मैंडेटरी जो वहाँ पे ये जो हिजाब होता है, हेड कवरिंग होती है, एंटी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत स्लोगन लगे, काफी पूरी देश की महिलाएं एक हो गई, लोगों ने अपने बाल काटने चालू कर दिए, है ना, चोटी काटने, हिजाब हटाना चालू कर दिया। अभी कुछ टाइम पहले एक महिला कोरिया के अंदर पार्टिसिपेट किया था क्लाइंबर ने विदाउट हेडकाफ, तो उसका घर तोड़ दिया बुलडोजर से, मतलब इतना लार्ज, मतलब ये घर तोड़ने वाली तो आपको मालूम है सबसे घटिया पॉलिटिक्स है। एक आदमी कुछ कर रहा है अगेंस्ट द लॉ भी नहीं कर रहा है, और उसके पूरा परिवार को बेचारे को इस तरीके से भुगतना पड़ता है, जो इतने सालों की मेहनत उनका पूरा पूरे कितने साल लग जाते हैं एक इंसान को घर बनाने के अंदर, वो सब चले जाता है। तो इस तरीके के काफी सारे काम है जो कि इन्होंने करे और फाइनली जो है अबॉलिशन कर दिया गया है, ठीक है गाइस। तो 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था, जब यूएसए ने इनको काफी सपोर्ट किया था और यहाँ पे मोनार्की हटा दी थी, ओके, कि यहाँ पे ये सब नहीं रहेगा, उसके बाद से इन्होंने धीरे धीरे क्या किया, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड अपनाना चालू कर दिया महिलाओं और पुरुष के लिए, ओके, वो वाली बात है। और ये काफी पेट्रोलिंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी 2006 से, तो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, गाड़ियां जाती है देखने के लिए, मतलब ठीक है। हजारों लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, 300 लोगों की अभी तक डेथ हो चुकी थी, कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर की भी डेथ हो चुकी थी, तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका था। इनफैक्ट ईरान में नहीं, पूरी दुनिया में फैल चुका था, काफी लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। ये देख सकते हो आप, ये ईरान का मैप है, ये आपका जीसीसी कंट्रीज है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के 6 कंट्रीज है, ये आपके पर्शियन गल्फ और ये पास में ईरान, ठीक है, और तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब इसके आसपास देखने को मिलते हैं। चलिए, तहरीन इसकी कैपिटल है, पर्शियन यहाँ पे लैंग्वेज है, पर्शियन है ना, पर्शियन इसी एरिया को पर्शिया किसी जमाने में कहा करते थे, पर्शियन लैंग्वेज है, पारसी लोग यहीं से आए थे, ठीक है, पारसी लोग जो है वो पर्शिया यानी कि ईरान से ही इंडिया के अंदर आए थे, एक जमाने में ईरान जो है इनका होम है जो कि हुआ करता था, ओके। सुप्रीम लीडर यहाँ पे अली है, रायसी यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, और पॉपुलेशन की बात करें तो 9 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा कुछ खास नहीं है, $3,000 पर पर्सन पर ईयर है, हमारे आसपास ही है, एसडीआई में आई है, और ईरानियन रियाल यहाँ पे करेंसी है। ईरानियन रियाल के दोस्तों इतने बुरे हाल है कि हमारा 1 रुपया जो है ना वो 500 रुपए ईरानियन रियाल के बराबर है, मतलब समझ रहे हो कि अगर आपके हमारे जो 100 रुपए है वो उनके कितने हो गए, 50,000 ईरानियन रियाल के बराबर, तो करेंसी की बहुत ही बुरी हालत है। पेज नंबर 12 के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे बात करी गई है हमारे एविएशन सेफ्टी को लेकर। तो रिसेंटली दोस्तों ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने एक एविएशन सेफ्टी रैंकिंग है जो कि जारी करी है, ठीक है, कुल मिला के किसके देश के एविएशन में कितने जो है वो प्लेन नीचे डूबते हैं, ओके, एक्सीडेंट में तो फिर भी बचने के चांस है, लेकिन प्लेन नीचे चला जाए तो उसमें बचने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है दोस्तों कि अगर अपन बात करें तो एयरलाइन ज्यादा सेफ है कंपैरेटिवली रोड के, कम एक्सीडेंट होते हैं लेकिन बचने के चांस नहीं है, ये भी एक रियलिटी है, ओके। चलो, तो अभी रिसेंटली यहाँ पे रैंकिंग घोषित करी गई है सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसमें हमारी रैंकिंग जो है 2018 में हमारी रैंकिंग 102 थी, हम लोग बिल्कुल सेफ नहीं थे, अभी हम लोग 48 नंबर के ऊपर है, करंट रैंकिंग जो है वो हमारी 48 आ चुकी है, ठीक है, चाइना की 49 है, हमारी 48 है, तो चाइना से बेटर परफॉर्मेंस है जो कि हमारे यहाँ पे रही है, ओके। बेस्ट के अंदर तो वही है, सिंगापुर, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, है ना, यही टॉप पर है। नेक्स्ट है पेज नंबर 14, यहाँ पे बात करेंगे हर्ज़ोग की। हर्ज़ोग दोस्तों फर्स्ट इजरायली प्रेसिडेंट है जिन्होंने बहरीन के अंदर अभी विजिट किया है। तो आपको मालूम है जब ट्रंप साहब थे तो ट्रंप ने जाते थे एक बहुत बढ़िया काम किया था कि इसराइल के रिलेशन इब्राहिम अकॉर्ड के तहत अरब कंट्रीज के साथ में थोड़े बेहतर करवा दिए थे, ओके, जिसके अंदर 2020 के अंदर आपको मालूम होगा यूएई के साथ अच्छे रिलेशन हो गए, बहरीन के साथ अच्छे हो गए, मोरक्को के साथ में अच्छे हो गए थे, इन कंट्रीज के साथ में ये फर्स्ट 3 अरब कंट्रीज थे जिनके साथ में रिलेशन अच्छे हुए। अभी रिसेंटली दोस्तों ये कहाँ पे आए हैं, बहरीन जो है वो आने वाले फर्स्ट प्रेसिडेंट है जो कि इसराइल के हर्ज़ोग बन चुके हैं, साथ में मिलकर काफी सारे टाइज कर रहे हैं, काफी सारे इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, काफी चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अपना मिडिल ईस्ट के अंदर जो पीस है
उसको आगे बढ़ाने के लिए, ग्लोबल और रीजनल स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए स्टेप है जो कि लिया गया है अभी यहाँ पे, ठीक है, और साथ में मिलकर कई सारे एग्रीमेंट्स हैं जो कि साथ में मिलकर कर रहे हैं, है ना, ठीक है, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो फ्रंट पेज पे तो कुछ खास नहीं है, यहाँ पे काजीरंगा के बारे में बात करेंगे। ये देखो काजीरंगा के डेवलपमेंट के अंदर जिस कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है वो है फ्रांस। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर काजीरंगा को अच्छा बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए काफी काम किए हैं साथ में। ओके, तो 200 से ज्यादा एंटी पॉन्चिंग कैंप्स लगाए गए हैं, लाइवलीहुड ट्रेनिंग लोकल कम्युनिटी के लिए यहाँ पे करी जा रही है। ओके, मेजर्स अपनाए जा रहे हैं कि कैसे काजीरंगा को जो कि आसाम के अंदर है उसको और बेहतर बनाया जा सके, जानवरों की डेथ नहीं हो, एक अच्छा इकोसिस्टम है जो कि बिल्ड कर सके, है ना। तो इसको लेकर दोनों ही कंट्रीज है जो कि आर्टिफिशियल हाईलैंड्स भी बना रही है, आर्टिफिशियल हाईलैंड्स, है ना, जैसे कि जैसे यहाँ पे ग्रीनरी दिख रही है आपको, तो ये जानबूझ के ग्रीनरी लगाई जा रही है आर्टिफिशियली ताकि यहाँ के एनिमल थोड़े से ज्यादा बेहतर इकोसिस्टम है जो कि इनको मिल सके, है ना। अगर फ्लड आ जाता है तो ऐसे वाले एरिया के ऊपर ये लोग जा सके, फ्लड आता है तो ये लोग क्या देखते हैं रोड पे जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पॉन्चिंग हो जाएगी, तो एक आर्टिफिशियल एरिया बनाया गया है जहां पे फ्लड आने पे ये लोग जा सके और अपने आप को सेफ महसूस कर सके। ये सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात थी। ओके, तो इंडिया और फ्रांस ने दोनों ने मिलकर टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे किया है, इंडो पैसिफिक पार्क पार्टनरशिप करी है जिसके अंदर कई सारी एक्टिविटीज यहाँ पे करवाई जा रही है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर, ओके, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को लेकर, लोकल कम्युनिटीज के साथ में एंगेजमेंट को लेकर, समझ गए। तो ये काम किया गया है, पिछले 10 सालों के अंदर 80 मिलियन यूरो का इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे किया जा रहा है। 2014 से लेकर 2024 तक का ये टाइम पीरियड है जिसके अंदर ये लोग 33,000 हेक्टेयर एरिया के ऊपर काम करने वाले हैं। ओके, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपसे पूछे कौन सा कंट्री इन्वॉल्व है तो फ्रांस के बारे में आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ओके, अगर आप देखोगे तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है और ये होलोंगापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरेंग मानस वहां पर है, तो ये सारे के सारे डिब्रू शिकोगे नेशनल पार्क है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और ये देखिए 42,000 किलोमीटर का एरिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब्ड और रिप्रेजेंटेटिव एरिया है जो कि ब्रह्मपुत्रा वैली वाले एरिया में काजीरंगा को माना जाता है। 74 में नेशनल पार्क बना, टाइगर रिजर्व 2007 के अंदर बना, ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व भी इसको माना जाता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और बर्ड एरिया भी है यहाँ पे, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा यहाँ पे बर्ड एरिया भी जो है रिकॉग्नाइज किया रखा है, कर रखा है। काजीरंगा में आपको वन हॉर्न राइनोज मिलेंगे देखने को, है ना, सबसे ज्यादा यहीं पर ही मिलते हैं, दुनिया के 60-70% यहीं पे मिलेंगे वन हॉर्न राइनोज। पवित्रा सेकंड नंबर पे जहां पे सबसे ज्यादा आपको राइनोज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एलिफेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे, आपको टाइगर्स मिलेंगे और वाइल्ड बफेलो मिलेंगे। वाइल्ड बफेलो के सींग इस तरीके के से होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं, है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, कभी आप जाओगे तो जा सकते हो। एलिफेंट सफारी भी होती है और काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छा नेशनल पार्क है, है ना। आई हैव बीन देयर इन 2015 या 16 में मैं गया था, काफी अच्छा था। तो अगर आप देखोगे तो जिम कॉर्बेट और बांदीपुर के बाद में थर्ड नंबर के सबसे ज्यादा टाइगर भी आपको यहीं पर ही देखने को मिलेंगे। टाइगर और आपको एलिफेंट एक जगह पे नहीं मिलते, ब्रह्मपुत्रा के एक साइड पे टाइगर है, एक साइड पे एलिफेंट है, इस तरीके से इन्होंने थोड़ा डिविजन कर रखा है। NH-37 यहाँ से पास होता है, 250 सीजनल वाटर बॉडीज, है ना, डिफ्लू रिवर, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये सारे कई सारे हमारे और भी नेशनल पार्क यहाँ पे आसाम में देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं जो कि है मोबाइल प्रोटेक्शन को लेकर। आप सभी को मालूम है PLI स्कीम से हमारे मोबाइल के प्रोटेक्शन बढ़ गए हैं और हमने एक्सपोर्ट भी करना चालू कर दिया है। एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन हम लोग सैमसंग के एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेकेंड नंबर के ऊपर एप्पल है। एप्पल दोस्तों काफी नियर है जो कि सैमसंग के आ चुका है। अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे सैमसंग के $3 बिलियन के आसपास के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट करें और एप्पल भी काफी नियर अबाउट है जो कि $2.2 बिलियन तक जो है वो पहुंच चुका है। एक क्वार्टर का डाटा है अप्रैल से अक्टूबर का, समझ गए मेरी बात, ठीक है। और टोटल मोबाइल फोन एक्सपोर्ट जो हमने करे अप्रैल से अक्टूबर वो नियर बाय $5 बिलियन के जो कि करे हैं और जस्ट थोड़ा सा ही पीछे जो कि एप्पल है, अदरवाइज आगे बढ़ ही जाएगा। हम लोग नियर बाय जैसे अगर बात करें तो 1-2 मिलियन मोबाइल फोन्स हैं, 2-3 मिलियन मोबाइल फोन्स हैं जो कि हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और चाइना की बात करें तो चाइना कोई नियर बाय 250 मिलियन आसपास मोबाइल फोन है जो कि एक्सपोर्ट करता है। तो अभी तो खैर हम लोग बहुत पीछे हैं लेकिन हमारा यहाँ पे ग्रोथ है जो कि काफी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो नंबर वन पे सैमसंग है एक्सपोर्ट में, सेकेंड नंबर के ऊपर एप्पल है। आगे बात करते हैं वासनार एग्रीमेंट को लेकर। ये एग्रीमेंट क्या है, अभी रिसेंटली वियना के अंदर है ना मीटिंग हुई थी वासनार एग्रीमेंट को लेकर।
इसमें चेयरमैनशिप दोस्तों इंडिया को मिल चुकी है और हम लोग ये चेयरमैनशिप 1 जनवरी 2023 से लेने वाले हैं। इस एग्रीमेंट में क्या है कि ये एक एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो भी कंट्रीज इसके मेंबर हैं वो ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि हमने टेक्निकल या फिर कोई भी प्रोडक्ट जो हमने बेचा है किसी को दिया है तो किस काम की वजह से दिया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 1996 में इसका फॉर्मेशन हुआ, 42 कंट्रीज के मेंबर हैं, तो ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम है। ओके, यानी कि जो भी आप एक्सपोर्ट करते हो उसके बारे में पूरी जानकारी सारी कंट्रीज को जो इसके मेंबर हैं उन सबको मिलना चाहिए, जैसे कि आपने कौन से वेपन दिए हैं, कौन से गुड्स एंड टेक्नोलॉजीज आपने दी है, है ना। ड्यूल यूज का मतलब ये होता है कि कोई भी गुड्स एंड टेक्नोलॉजी जो कि मल्टीपर्पज काम में लिया जाए, यानी कि सिविल के लिए काम आ रही है, मिलिट्री के लिए काम आ रही है, आपने कोई टेक्नोलॉजी किसी कंट्री को दी है, किस काम से दी है। वियना में इसका हेडक्वार्टर है, 42 कंट्रीज इसके मेंबर है, मोस्टली नाटो के और यूएस के देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। और जो भी पार्टिसिपेटरी स्टेट्स है उनको अपनी रिपोर्ट है जो कि ये देनी पड़ती है, किसको हथियार दिए, किसको गुड्स दिए, किसको टेक्नोलॉजी, है ना। 6 मंथ बेसिस के ऊपर ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करनी पड़ती है। इंडिया ने 2017 के अंदर इस कंट्री को जो है इस मेंबरशिप को ज्वाइन किया था। ऑलराइट, चलिए। और इसी प्रकार की और भी है, जैसे कि MTCR है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम है, उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। NSG है जिसमें आपके न्यूक्लियर के बारे में देनी पड़ती है। वैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप भी एक जहां पे आपको बायोलॉजिकल केमिकल वेपन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं ये सब, है ना। चलिए, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचुरल रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ओके, इसमें जानकारी दी गई है कि सेकेंड एडिशन आया है ये लॉन्च, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट, यानी कि कितने फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी अगर हमें नेचर को इंटैक्ट अगर अच्छे से रखना है तो। तो UNEP साथ में UNCCD और यूरोपियन कमीशन इन सबके द्वारा मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश करी गई, जिसमें बोला गया है कि नियर बाय $150 बिलियन पर साल, पर ईयर, पर साल क्या होता है, पर ईयर जो है वो फाइनेंसिंग है जो कि जरूरत है, इतना फाइनेंस है जो कि करना पड़ेगा तब जाके हम लोग कुछ कर पाएंगे, जिसमें पब्लिक फंड 83% है, प्राइवेट फंड का कंट्रीब्यूशन 17% के आसपास है। ये करंट के अंदर फाइनेंशियल फ्लो है, ये करंट में है, $150 बिलियन के आसपास है जो कि हमारे नेचर के ऊपर चल रहा है। अब इसमें चेंजेस की बात करें तो हर साल $3 बिलियन का चेंज है जो कि यहाँ पे बताया गया है, इंक्रीमेंट बताया गया है, हर साल $154 बिलियन है जो कि ये पहुंच जाएगा। नियर बाय 2.5% की ग्रोथ है जो कि देखने को मिल रही है। अब कुल मिला के देखो, इसमें ये बोला गया है कि हमें क्या करना है जिससे हम लोग हमारे नेचर को अच्छे से रख सकते हैं, जिसमें हमें फाइनेंसिंग तो है ही है, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंग्रोव का रिस्टोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना, ब्लू एंड ग्रीन कार्बन क्रेडिट, प्रोटेक्टेड एरियाज हो, बायोडाइवर्सिटी का ध्यान रखें, है ना, एग्रीकल्चर को लैंड ग्रेडेशन से बचाएं, ये सारी चीजें इसमें बोली गई है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम की बात करें, 5 जून 1972 का इसका फॉर्मेशन हुआ, इसलिए 5 जून को हम लोग एनवायरमेंट डे है जो कि मनाते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में एनवायरमेंट को ऊपर ये काम करता है, इसकी कई सारी रिपोर्ट्स है जैसे कि एमिशन गैप रिपोर्ट, अडॉप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, इन्वेस्ट इन हेल्दी प्लैनेट, ये सारी रिपोर्ट इसके द्वारा पब्लिश करी जाती है, कई सारे कैंपेन चलाए जाते हैं। नैरोबी केन्या के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। आगे एक और बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2022, दुनिया में कहां पर रहना कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। हमें लगता है कि हमारे दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन दुनिया की नजर में बहुत ही सस्ते सिटीज हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे रुपए में रहना पड़ता है, बाहर जाओगे तो यूरो डॉलर देने पड़ेंगे, है ना। बाहर तो बहुत ही अजीब स्थिति है, अगर आप एक रूम ले लोगे लंदन, अमेरिका, सिंगापुर, यहाँ पे तो गए आपके 1-1.5 लाख रुपए तो रहने रहने में चले जाएंगे, उतने पैसे में हम लोग हमारे यहाँ पे खुद साथ में फैमिली, साथ में फैमिली के साथ में एक और फैमिली, सबको भी अच्छे से रख सकते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग वन ऑफ द चीपेस्ट सिटीज में, जब हम लोग लिविंग रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं दुनिया में, न्यूयॉर्क, सिंगापुर वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज देखने को मिलती है, ठीक है गाइस। ओके, वहां पे पानी की बॉटल भी लोगे तो 200-300 रुपए की मिलेगी, इतने में तो हम लोग पूरा किसी भी ढाबे पे पूरा 5 लोग मिलकर खाना खा लेते हैं, पानी तो फ्री में मिल जाता है। पहली बार तो मुझे कल्चरल शॉक लग गया था जब when I went to Europe कि ये पानी के लिए पैसे मांग रहे हैं यार, हर कोई पानी फ्री में दे ही नहीं रहा है, रेस्टोरेंट के अंदर बिल आ रहा है खाने का 2000, पानी का 1000, यार ये क्या बात हुई क्योंकि 2 बॉटल पानी के ले लिए और रेस्टोरेंट में और भी महंगी मिलेगी पानी की बॉटल, तो हर जगह पे इस तरीके से। फिर फाइनली मुझे एक हैंडपम्प मिला था, मेरे को लगा हैंडपम्प से भर लेना चाहिए पानी, यहाँ तो वैसे भी हर जगह पे सही आता है, तो बिल्कुल बात भी सही है,
हैंडपंप लगे रहते हैं वहां पे, जगह जगह पे लोग पानी भरते हैं। तो मैंने एक फ्रेंड के साथ में इतना पानी भर लिया कि उसको कैरी करना मुश्किल हो गया, फिर पैसे बचाने के चक्कर में 3-4 लीटर की बोतल भर ली, तो यानी कि 2 किलो तो वैसे 1-2 किलो तो होता है, 3-4 किलो को पानी का बोझ और लेके घूम रहे हो आप। फिर बाद में समझ आया कि भाई नहीं चलेगा ऐसा, तो बोतल तो खरीदनी ही पड़ेगी, आप पानी मत पियो, सिंपल सी कहानी है। तो वो गरीबी के दिन थे जब ट्रैवल किया करते थे। और लोग बोलेंगे सर ये भी कौन सा ट्रैवल है, गरीबी में भी यूरोप घूम रहे हो लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया में घूमना सिर्फ फ्लाइट की टिकट महंगी होती है, बाकी तो आप जुगाड़ कर लेते हो। रहने के लिए तो कोई ना कोई दोस्त मिल जाता है, घूमने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, तो घूमना कभी भी एक्सपेंसिव नहीं होता। लेकिन अगर आपको घूमना आना चाहिए, इंडिया तो जिसमें बहुत ही सस्ता है, इंडिया तो आप मतलब 10,000 रुपये भी अगर आज के टाइम पर आपके पास है तो 7 दिन आप घूम सकते हो बढ़िया। ट्रेन में जाओगे, नॉर्मल बैकपैकर में रहोगे, बहुत ही बढ़िया से घूम सकते हो। तो घूमने के लिए क्या जिगर चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है, और वो चाहिए होता है, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन चाहिए होता है, पैसे की रिक्वायरमेंट कम होती है। चलो आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, इजराइल का तल अवीव 3rd पे, फर्स्ट पे तो सिंगापुर और न्यूयॉर्क है, फिर 4th पे लॉस एंजलिस, हांगकांग, ज्यूरिख, जिनेवा, सैन फ्रांसिस्को, पेरिस, कोपेनहेगन एंड सिडनी। ये नियर बाय दुनिया में 8% के आसपास कॉस्ट है जो कि बढ़ रही है। दुनिया में सबसे सस्ती सिटीज है वो है डमेस्कस, ट्रिपोली और तहरीन, है ना, क्योंकि यहाँ पे करेंसी बहुत ही वीक है। जैसे कि 1 रुपया हमारे 500 रुपये ईरान के अंदर, 500 वहाँ के रियाल है, तो 500 रियाल हो गए तो सस्ते में काम चल जाएगा ना। इंडोनेशिया भी इसलिए हमारे लिए थोड़ा सस्ता पड़ता है, इंडोनेशिया हमारा 1 रुपया उनके 250 रुपये के बराबर है ना। लेकिन वो बात अलग है, टैक्सी वाला भी 10 लाख वहाँ के ले लेगा, 20 लाख रुपये में टी शर्ट, 20 लाख इंडोनेशियन रुपया के टी शर्ट मिलेगी, वो कहानी अलग है। चलो, बेंगलुरु 161 पर है, चेन्नई 164 है, अहमदाबाद 165 के ऊपर है। ऑलराइट, दुनिया में महंगाई बढ़ने के कुछ एक कारण है, जैसे कि एक तो पेट्रोल डीजल बहुत ही महंगा हो चुका है, 22% पिछले साल से प्राइसेस बढ़ चुकी है, इसलिए दुनिया में दोस्तों महंगाई थोड़ी रहना थोड़ा सा महंगा हो गया है। इसके अलावा अगर बात करें, यूएस का डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है, हमारा रुपी वीक हो गया है ना, इसलिए भी थोड़ी रहना मुश्किल है, थोड़ा एक्सपेंसिव हो चुका है। यूक्रेन वॉर है, रशिया वॉर है, इससे भी इम्पैक्ट पड़ा ही है। ये रिपोर्ट जो है, एक सर्वे किया जाता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट, उसके द्वारा ये रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी जाती है। हम लोग दोस्तों $100 बिलियन का मार्क है जो कि क्रॉस करने वाले हैं रेमिटेंस के अंदर। रेमिटेंस का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे दोस्तों एक पर्सन है कोई भी जो कि दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हैं और वहां पे जो भी पैसा कमा रहे हैं थोड़ा बहुत खर्च करके वापस हमारे घर पे भेज देते हैं। ऐसा ही तो होता है ना। ये हमारे देश का बहुत अच्छा कल्चर है कि हम लोग पढ़ने जाते हैं तो लोन का पैसा भी खुद चुका रहे हैं, तो बाहर का अगर नौकरी कर रहे हैं तो घर परिवार के लिए पैसे भेजते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी को रेमिटेंस कहा जाता है। दुनिया में दोस्तों सबसे ज्यादा रेमिटेंस का पैसा हमारे देश में आता है, यानी कि $100 बिलियन के आसपास हम क्रॉस करने वाले हैं, जो कि हमारे GDP का तो खैर कोई 2-3% के आसपास ही है, लेकिन ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट है जो कि पब्लिश करी गई है, जिसके अंदर इसके बारे में बताया गया है। ठीक है गाइस, नियर बाय 3.5 करोड़ लोग हैं जो कि हमारे इंडियन ओरिजिन के विदेश में रहते हैं और वो पैसा कमा के भेजते हैं। हालांकि क्या फॉरेन कंपनी जो इंडिया में पैसा कमाती है, जो इंडिया से कमा के लेके जाती है, वो बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली हम लोग विदेश से जो इंडिया में पैसा मंगवाते हैं या जो हमारे आता है। तो ये तो इंडिविजुअल वाला पैसा है, वैसे भी कंपनी वाला पैसा नहीं है। 12% की ग्रोथ हर साल देखने को मिल रही है। हम लोग तो इतने नट्टे हैं कि बाहर जाके अगर हम कैसे भी काम चला लेंगे, लेकिन घर पे पैसे बराबर जाने चाहिए। घर वाले जो है वो ये बोलने चाहिए वहाँ पे कि हाँ भाई हमारा लड़का विदेश में रह रहा है, बढ़िया पैसे कमा रहा है, भले वहाँ पे जाए कुछ भी कैसे भी करके बंदा पैसे बचा रहा हो, मतलब। तो ये क्या है, न्यू डेटिंग फॉर ऑल, क्या है यार ये, सुबह सुबह कौन कौन से लोग आए थे। ठीक है, चले आगे। कमेंट में देख सकता हूं किसको ब्लॉक करना है, बताओ भाई।
ये लो हो गया, ठीक है चलो। कैप्सूल वेज में पीडीएफ शो नहीं हो रही है, ठीक है सुष्मिता मिल, मैं चेक करता हूँ आज, है ना, डोंट वरी। चलो तो रीज़न क्या है कि फॉरेन से इतना, फॉरेन में लोग ज़्यादा होंगे तभी ज़्यादा पैसा आएगा। दूसरा कि ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी छोटे कंट्री से बड़े कंट्री में चले गए तो वहाँ ज़्यादा पैसा कमाओगे तो वहाँ से पैसा भेजोगे, ये भी एक कारण है। दूसरा यूएस का डॉलर भी बहुत स्ट्रांग हो चुका है, पहले आप 1,000 डॉलर भेज रहे थे तो 70,000 रुपये हो रहे थे, अभी वो 80,000 रुपये हो रहे हैं, है ना, ये भी एक कारण है। डेप्रिशिएट हो रहा है हमारा इंडियन रुपी, ओके। लेबर की डिमांड भी थोड़ी बढ़ रही है तो जिसकी वजह से हमारे कई सारे लोग हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में जाते हैं, तो ये सब भी कारण है। पॉजिटिव भी होते हैं कुछ, इसके नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव तो ये है कि फॉरेन करेंसी इंडिया में बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, है ना, इम्पोर्ट बढ़ जाता है थोड़ा। नेगेटिव ये है कि करेंसी एक्सचेंज वो बढ़ता जा रहा है, लेबर की सप्लाई डिक्रीज हो रही है, एक्सपोर्ट में कॉम्पिटिटिवनेस में हम लोग पीछे जा रहे हैं और प्राइस लेवल बढ़ रहा है। तो ये कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव आपके रेमिटेंस के देखने को मिलते हैं। सेकेंड नंबर पर चाइना है, मैक्सिको चाइना, ये देखिए हम लोग $100 बिलियन, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना, है ना। तो सारे छोटे कंट्रीज ही है, चाइना भी थर्ड नंबर पर है, जो अगर आप देखोगे जिनके रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा है ना, ये सारे कोई डेवलप कंट्री नहीं है। तो विदेश में जाके जब पैसा भेज रहे हैं तो सारे डेवलपिंग कंट्रीज ही देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं सुकंपा को लेकर। ये ग्रेट दोस्तों लीडर थे जो कि अहोम डायनेस्टी को इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। तो दिल्ली के अंदर असम डे का सेलिब्रेशन किया गया और उसी टाइम पे दोस्तों अहोम किंगडम के जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1228 के अंदर, है ना। और टाई प्रिंस जिनको ओरिजिनली ये मोंग मायो उनको कहते थे, तो ग्रेट यूनिफायर बोलते थे क्योंकि ट्राइबल और नॉन ट्राइबल लोगों को इन्होंने यूनाइट किया था इस राजा ने। 1996 2 दिसंबर को असम डे है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, ओके। और इसी टाइम पे ये जो किंग है सुकंपा, इनके दिवस को भी सेलिब्रेट किया जाता है। रेड सैंड ड्यून्स ऑफ वाइजैक के बारे में बात करें तो वाइजैक में इस तरीके से आपको रेड सैंड देखने को मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? क्योंकि ये हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के बारे में जागरूक करती है। ये जियो हेरिटेज साइट भी इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, 20 किलोमीटर का इस एरिया है, है ना। माटी डिब्लू इसको लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, 18,000 साल पुरानी है और साइंटिफिक इवोल्यूशन साइट है। रियल टाइम के अंदर ये साइट हमें ऐसे जो रेड सैंड होती है ना, ये हमें क्लाइमेट चेंज की इंफॉर्मेशन देती है कि कितना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ओके। तो साउथ एशिया के अंदर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, श्रीलंका, ये 2-3 साइट है जहां पर रेड सैंड के आपको ड्यून्स देखने को मिलेंगे। ये क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमें काफी जानकारी देती है, ठीक है। डेली 5 वोकैबुलरी जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में से है, कल के न्यूज़पेपर में से निकाले। पंप का मतलब होता है धूमधाम, है ना, जब आप धूमधाम से कुछ काम करते हो उसको कहते हैं। वैसे कल्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को क्लाइमेक्स पे लेके जाना, नतीजा निकालना, आंसर निकालना, उसको कहते हैं। डिस्ट्रेस का मतलब जब बहुत टेंशन में हो, है ना, बोलते हैं ना ये आदमी बहुत डिस्ट्रेस में, यानी कि टेंशन में। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट, पनिश कर दिया किसी को, रिट्रीब्यूट कर दिया, ओके। और इनकार्सरेटेड का मतलब है किसी को लॉकअप करना, जेल देना, उसको हम लोग कहते हैं। तो ये 5 वोकैबुलरीज थे। एसएससी रेलवे के फ्री टेस्ट आपको क्लास 24 ऐप पे मिल जाएंगे, आपको जाना है टेस्ट में, फिर यहाँ पे लाइव टेस्ट में। लर्न विद भुवनेश सर वाले चैनल के ऊपर आपको नवंबर का मैंने वन लाइनर करवा दिया है, डेली सीजीएल के एनालिसिस भी करवा रहा हूँ, तो ज्वाइन कर लेना। ब्रह्मास्त्र बैच और जीडी के बैच अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते में ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। क्लास 24 ऐप डाउनलोड करें, एसएससी में जाएं और फिर यहाँ पे कोई भी एग्जाम का गोल सेलेक्ट कर सकते हैं। शुभम सर का ALP का बैच अनाउंस हो चुका है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का PDF डाउनलोड कर सकते हैं क्लास 24 से। स्माइल फ्रॉम को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए वॉलंटियर, किसी भी शहर में अगर आप रहते हो, साथ में अगर जॉब करते हो तो एक बच्चे की एजुकेशन भी यहां से स्पॉन्सर कर सकते हो, ठीक है। आज का पहला सवाल जो है वो आपके वासनार अग्रीमेंट को लेकर है। ये क्वेश्चन देखिए सिविल सर्विसेज में 2011 में आ चुका है। कॉमन कार्बनिक मैटर UNEP को लेकर एक सवाल है, तो ये 2 ही क्वेश्चन है आज, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, और वापस से मिलेंगे कल के दिन। और कोई ना कोई करंट अफेयर इश्यूज मैं आपको लर्न विद भुवनेश सर वाले चैनल पे अवेलेबल करवाता रहूंगा, ठीक है गाइस। चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत सारे अच्छे वीडियोस करंट अफेयर के आपको वहां पे इश्यूज वाले मिलते रहेंगे।